हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मेरा नाम जतिन है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। सो एक काफ़ी गुड न्यूज़ आई है एनआईटी कैलीकट की तरफ से। तो एनआईटी कैलीकट के ऑलमोस्ट सारे राउंड्स कंप्लीट हो चुके थे सीसीएमटी के थ्रू जो उन्होंने कराने थे, बट वो अपने इंस्टीट्यूट लेवल पे एक फाइनल स्पॉट ऑन करा रहे हैं, क्योंकि कुछ सीट्स उनकी पर्टिकुलर को डिपार्टमेंट और प्रोग्राम के लिए कुछ सीट्स बची हैं। ठीक है, तो ये जो लाइक स्पॉट ऑन है फॉर ऑल ब्रांचेज हैं, हर ब्रांच में कुछ ना कुछ सीट्स बची हुई हैं। तो देख लेते हैं कि कौन से ब्रांच में कितनी सीट बची हैं। एंड ये जो कैलीकट एनआईटी कैलीकट का स्पॉट ऑन रहेगा, ये आपको 26 अगस्त को रहेगा। 26 अगस्त को रहेगा, तो आपको फिजिकली प्रेजेंट रहना पड़ेगा एनआईटी कैलीकट में। ठीक है, फिजिकली प्रेजेंट रहना पड़ेगा 8 to 10 के बीच में, 8 to 10 के बीच में, 8 to 10 AM के बीच में। तो सारी डिटेल्स एक बार देख लेते हैं, डायरेक्टली जो डॉक्यूमेंट आया है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे एनआईटी कैलीकट का डॉक्यूमेंट जो आया है, स्पॉट ऑन फॉर एडमिशन टू एमटेक एम प्लान एमएससी प्रोग्राम 2022। इस डॉक का लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो डेट क्या है, 26 अगस्त 2022 फ्राइडे। एंड रजिस्ट्रेशन टाइम है आपके पास 8 to 10 के बीच में, लाइक फिजिकली आपको यहाँ प्रेजेंट रहना पड़ेगा। ठीक है, एंड वेन्यू है भास्कर हॉल एनआईटी कैलीकट। एंड फर्दर इसमें डिटेल्स देखते हैं। तो आपको इससे पहले इस स्पॉट एडमिशन स्पॉट ऑन में पार्ट लेने के लिए सबसे पहले ये ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। द एलिजिबल कैंडिडेट्स हैव टू कंप्लीट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर स्पॉट एडमिशन यूजिंग द फॉलोइंग लिंक। ये आपको लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो ये न्यू यूज़र पे क्लिक करके आप अपना नई आईडी बना सकते हैं। एंड अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, वापस फॉर्म पे चलते हैं। ये तो आपका ऑनलाइन पोर्टल में क्या होगा, आपकी ऑनलाइन डिटेल्स फिल करने के लिए ऑप्शन है। देन यहाँ पे आपको फिर 1000 रुपीज़ की फीस भी पे करनी है। रजिस्टर विद योर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर फॉर क्रिएटिंग अ लॉग इन ऑन द ऑनलाइन पोर्टल। कैंडिडेट्स हैव टू पे रजिस्ट्रेशन फी ऑफ ₹1000 फॉर ओपन EWS OBC PWD कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज़ फी है, एंड SC ST के लिए 500 रुपीज़ फी है। एंड जो फीस पे है इस लिंक के थ्रू करनी पड़ेगी आपको। एंड इस लिंक पे लाइक ये जो ऑनलाइन SBI का ये पोर्टल है, ठीक है, एंड इस लिंक पे आपको फिर पे करने के बाद आपकी फीस पे हो जाएगी, तो आपको क्या मिलेगा, एक रिसिप्ट नंबर मिलेगा। रिसिप्ट नंबर मिलेगा एंड जो रिसिप्ट नंबर है, डेट ऑफ पेमेंट, अमाउंट एक्सेट्रा, वापस आपको अपने ऑनलाइन पोर्टल पर आकर ये डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रोसेस है एक तरीके से। आफ्टर द सबमिशन एंड ये जो ऑनलाइन पोर्टल है ये कब तक एक्टिव रहेगा, इट विल बी एक्टिव फ्रॉम 23 अगस्त 10 AM लाइक टू 4 PM 25 अगस्त, लाइक परसों 25 तारीख तक 4 बजे तक ही एक्टिव रहेगा। तो प्लीज़ ये टाइम ध्यान रखना। ठीक है, आफ्टर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, अब सबमिशन जब ऑनलाइन एप्लीकेशन आप परफेक्टली सबमिशन सबमिट कर देंगे आफ्टर पेइंग द फीस एंड रिसिप्ट नंबर आपको यहाँ पे एंटर करने के बाद, अ साइंड प्रिंट आउट शुड बी टेकन। लाइक आपको एक प्रिंट आउट निकालना है कि मतलब आपने सक्सेसफुली फॉर्म फिल कर दिया है, एंड सबमिट करना है इस भास्कर हॉल में, PG एडमिशन ऑफिस है यहाँ पे, अलॉन्ग विद अ कॉपी ऑफ गेट स्कोर कार्ड। लाइक आपको अपना गेट का स्कोर कार्ड प्लस ये जो आपने फॉर्म फिल करा है वो सक्सेसफुली फिल कर दिया है उसका एक प्रिंट आउट, ये आपको सबमिट करना है इस टाइम के बीच में, 8 से 10 के बीच में। ये जो टाइम दिया है 8 से 10 के बीच में, ये वही टाइम है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट करने हैं। ठीक है, देन जो और ये जो रजिस्ट्रेशन फी है 1000 रुपीज़ है, 500 रुपीज़, ये नॉन रिफंडेबल है। एंड दोज हु रिपोर्ट आफ्टर 10 AM विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर स्पॉट एडमिशन। तो आपको टाइम का ध्यान रखना है कि एलिकेट एनआईटी कैलिकेट में आपको 8 से 10 के बीच में पहुंच जाना है। एंड सिलेक्शन प्रोसेस सिंपली वही रहेगा कि आपका गेट का स्कोर देखा जाएगा, 2020 का हो सकता है, 2021 का हो सकता है, या फिर 2022 का हो सकता है। ठीक है, देन अगर आगे देखें तो कितने कौन से डिपार्टमेंट में कौन पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए कितनी सीट बची है, तो यहाँ पे आपको पूरा प्लान दिख जाएगा कि वैकेंसी मैट्रिक्स आपको दी हुई है। जैसे आर्किटेक्चर प्लानिंग में ये डिपार्टमेंट का नाम है आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, एंड इसमें जो एक प्रोग्राम है एम प्लान, तो इसमें देख सकते हैं OBC के लिए 1 सीट है, जनरल EWS के लिए 1 सीट है, एंड EWS PWD के लिए 1 सीट है। टोटल कितनी सीट हो गई, 3 सीट हो गई। ऐसे सिविल इंजीनियरिंग के लिए देख सकते हैं लाइक एक पर्टिकुलर हर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए कुछ ना कुछ सीट्स आपको दिख जाएंगी, जैसे 2 सीट्स हैं, 5 सीट, 9 सीट, 5 सीट, एंड इन सबका जो लाइक कितनी पर्टिकुलर कैटेगरी में कितनी सीट्स बची है। तो एक सिविल इंजीनियरिंग में देखेंगे जब ओपन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी सीट नहीं बची, बट बाकी OBC SC ST या जनरल EWS के लिए उनकी सीट्स बची हुई हैं। सेम एज अगर केमिकल इंजीनियरिंग में देखेंगे, केमिकल इंजीनियरिंग में टोटल ओपन के लिए 7 सीट्स हैं, देन OBC के लिए 3, SC के लिए 2, ST के लिए 1। तो एज़ पर योर आपको किस पर्टिकुलर प्रोग्राम में जाना है एंड आपकी कैटेगरी क्या है वो आप यहाँ पे आप मैट्रिक्स में देख सकते हैं। अगर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में जाएंगे, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए कोई सीट्स नहीं बची हैं, किसी भी कैटेगरी में कोई भी सीट्स नहीं बची हैं, बट कंप्यूटर साइंस विद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में 2 सीट्स बची हैं हमारे पास, एक तो ओपन में और एक है हमारे पास ST कैटेगरी के अंदर। ठीक है, तो अगर आप इस कैटेगरी के अंदर लाइक करते हैं तो प्लीज़ ये फॉर्म ज़रूर फिल करना। ठीक है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का भी देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के अंदर
मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी है, VLSI डिज़ाइन है, टेलीकम्युनिकेशन सिग्नल प्रोसेसिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल सिस्टम, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पार्ट आ जाता है। तो जैसे देख सकते हैं सिग्नल प्रोसेसिंग में टोटल 5 सीट्स हैं जनरल के लिए, देन हर एक कैटेगरी के लिए कुछ ना कुछ सीट्स यहाँ पे आपको दिखी जाएंगी। तो यहाँ से आप देखेंगे जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 5 सीट्स खत्म हो गई हैं, बट बाकी सब में कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी काफ़ी सीट्स कुछ कुछ प्रोग्राम के लिए बची हैं, जैसे एनर्जी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में, मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, मशीन डिज़ाइन में तो नहीं है सीट्स, नैनो टेक्नोलॉजी में यहाँ पे 14 सीट्स हैं टोटल। ठीक है, तो इन टोटल देखेंगे इन सारे प्रोग्राम्स की कितनी सीट बची है, 153 सीट्स बची हैं। ठीक है, तो आपको पर्टिकुलर प्रोग्राम में जिसमें भी इंटरेस्ट है एंड जो आपकी कैटेगरी है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। एंड इन द एब्सेंस ऑफ PWD के कैंडिडेट्स, अगर किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी का जो PWD कैंडिडेट्स नहीं है एंड उनके रिस्पेक्टिव यहाँ पे सीट बची हुई है, वो जो सीट किसके लिए रिजर्व कर जाएगी, द सीट रिजर्व फॉर देम विल बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द सेम कैटेगरी विदाउट PWD। तो विदाउट PWD कैटेगरी के लिए वो सीट वो रिजर्व हो जाएगी एक तरीके से, अगर कोई PWD कैंडिडेट नहीं आया तो। ठीक है, देन ये MSc सीट्स वैकेंसी मैट्रिक्स है, यहाँ पे अगर आप MSc के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं। एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, सबसे पहले तो आपको डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ चाहिए। ठीक है, तो आपकी क्लास 10th की मार्कशीट या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, ये आपके पास इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स तो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए आपके पास होना चाहिए। ठीक है, देन फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड आपका वही सेम, देन मार्कशीट ऑफ क्लास 12th या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, देन आपके पास जो आपके रिस्पेक्टिव सेमेस्टर्स की मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए, देन अगर आपके पास ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट भी चलेगा या फिर कंसोलिडेटेड ग्रेडशीट भी चलेगा। ठीक है, एंड अगर फाइनल सेमेस्टर कैंडिडेट्स हैं तो यहाँ पे एक फॉर्म है एनेक्सर ए, वो फिल कर सकते हैं। ठीक है, प्लस आपका गेट का स्कोर कार्ड, एंड अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका वो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट उसका होना चाहिए। इसके बाद फिर कम्युनिटी सर्टिफिकेट हैं आपके, लाइक सिंपली PWD सर्टिफिकेट हैं, अगर आप पर्टिकुलर किसी कैटेगरी से हैं तो आपके मल्टीपल सर्टिफिकेट्स होते हैं तो वो आपको यहाँ पे सबमिट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो 1 फोटोशीट कॉपी ऑफ ऑल द रेलेवेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो सबमिटेड एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग। तो एटलीस्ट 2 कॉपी करा के जाना, 1 कॉपी अपने पास रखना एंड 1 कॉपी सबमिट करनी होगी आपको वहाँ पे। ठीक है, एंड फीस स्ट्रक्चर कैसे रहेगा पर हर सेमेस्टर का, लाइक टोटल MTech 2 साल का रहता है तो 4 सेमेस्टर रहेंगे, तो हर सेमेस्टर के यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितनी फीस रहेगी। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर जाएगा 42,000, देन नेक्स्ट सेमेस्टर 37, 42, 37। ठीक है, एंड इसमें हॉस्टल का जो चार्ज वगैरह वो अलग से है, वो यहाँ देख सकते हैं। एंड MSc प्रोग्राम के लिए भी यहाँ पे फी स्ट्रक्चर दिया हुआ है। और इसके बाद वो जो एनेक्शर ए फिल करना है, मतलब जो फाइनल ईयर कैंडिडेट्स हैं उनको ये फॉर्म फिल करके जाना है, फॉर्मेट ऑफ कोर्स कम्पलीशन सर्टिफिकेट, तो ये अपने आप इंस्टीट्यूट से फॉर्म फिल करा सकते हैं। ठीक है, सो या मतलब सारी चीज़ें डिटेल्स जो बतानी थी मैं उनको बता दी। इस डॉक का लिंक एंड ये जो 2 एडमिशन पोर्टल और फीस पे करने का लिंक है मैं आपको बता दूंगा, तो अगर आपके पास मौका है तो प्लीज़ मिस मत करना। NIT कैलिकट इज़ अ रियली गुड कॉलेज, तो इसे जाने मत देना। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड कोई भी डाउट हो वीडियो को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अब नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए बाय बाय।